विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्जाम्पल है एक्स टू द पावर एक्स क्यूब इक्वल्स 36 गिवन है, देन हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। तो सॉल्यूशन में हम पहले एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक्स टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 36। तो हम यहाँ पर देखो एक्स टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब है, तो ये एक्स टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब को हम ये अगर लेट करेंगे तभी ये कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स टू द पावर ऑफ ये बनेगा, ये दिस इक्वल्स 36 एज यूजुअल। अभी हम दोनों तरफ थर्ड पावर ले लो तभी ये क्या बनता है, एक्स टू द पावर ऑफ ये होल टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 36 टू द पावर 3। तो यहां पर एक्स टू दी ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन अगर रहा तो ये आइडेंटिटी यूज कर दो इधर, तो ये दोनों क्या बनता है, एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू ए बनता है, दिस इक्वल्स 36 टू द पावर ऑफ 3 एज इज वेल। तो यहाँ पर और ये क्या बनता है, ए टू द पावर ऑफ एन टाइम्स एम भी बनता है, तभी ये क्या यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ ए बनेगा, ये दिस इक्वल्स 36 टू द पावर 3। तो हम लेट किया एक्स टू द पावर ऑफ ए इक्वल्स ए, एक्स टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स ए, तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स ए मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ 3 की जगह में ए ले लो, तो ए टू द पावर ए एज वेल हो गया, ऊपर का एज वेल रखा तो ये 36 टू द पावर 3 एज वेल। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है, तो दिस इक्वल्स 6 टू द पावर ऑफ 2 होल टू द पावर ऑफ 3, दिस इक्वल्स 6 टू द पावर 2 3 सर, ये दोनों ये आइडेंटिटी यूज किया है पावर रूल, 6 टू द पावर ऑफ 6 बनेगा, यानी पीछे क्या रहा है एलएचएस में क्या है ए टू द पावर ऑफ ए है, लेकिन हम जानते हैं ए टू द पावर ऑफ ए इज इक्वल टू अगर बी टू द पावर ऑफ बी रहा देन ए इज इक्वल टू बी, हम ये आइडेंटिटी ये जानते हैं, इसलिए यहाँ पर ए टू द पावर ऑफ ए इक्वल्स बी टू द पावर ऑफ बी के जैसा है, देयरफॉर ए इक्वल्स 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लेट किए एक्स टू द पावर ऑफ ए इज एक्स टू द पावर ऑफ 3 इज ए, ए का वैल्यू एक्स टू द पावर ऑफ 3, तो रिकॉल कर दो, रिकॉल करने के बाद यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 3 बनेगा ए की जगह में, दिस इक्वल्स 6 एज वेल। तो यहाँ पर अभी दोनों तरफ स्क्वेयर रूट क्यूब रूट ले लो, दोनों तरफ अगर क्यूब रूट लिया तो ये क्यूब चले जाएगा, एक्स इक्वल्स क्यूब रूट 6 बनेगा, क्योंकि हमें इधर एक्स वैल्यू चाहिए इसलिए क्यूब रूट ये निकालने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो ये बनते है एक्स इक्वल्स क्यूब रूट 6, ये एक आंसर बन जाता है ये, अगर और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इसको एक्स इक्वल्स 6 टाइम्स 1/3, क्योंकि हमें मालूम है ए टू द पावर अगर स्क्वेयर रूट एन तो पावर ए अगर रहा तो ए टू द पावर 1/n बनते हैं, ये अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो ये भी आंसर ही हो जाएगा, वो भी आंसर ही हो जाएगा, दोनों आंसर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 6 टू द पावर 1/3 आ जाएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक रूट 6, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।